आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। मैं डॉक्टर रश्मि चौधरी, भरतपुर से बड़ी खबर। भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोहली पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। कुछ दिनों पहले रंजीता कोहली ने कोरोना से संबंधित आंकड़े छिपाने को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर देर रात घर लौट रही रंजीता कोहली पर धरसोनी गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। उन्हें तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंच गई। घटना के बारे में सांसद की टीम की तरफ से बताया गया कि हमला इतना भयावह था कि सांसद महोदया अचेत हो गई। पुलिस से संपर्क किया किंतु घटना स्थल तक पहुंचने में पुलिस को 45 मिनट लग गए। सांसद रंजीता कोहली ने 3 दिनों पहले ही मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर में कोरोना के RT-PCR टेस्ट कम होने के मुद्दे पर पत्र लिखा था। सांसद का कहना है, टेस्ट नहीं होने से इलाके में कोरोना के मामलों का सही तरीके से पता ही नहीं चल पा रहा है। साथ ही सांसद ने मांग की कि संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में प्रतिदिन 5,000 RT-PCR टेस्ट करवाए जाएं। कर रहे थे इनको मना कराने का, भैया तू भी उतर गया तो तू अकेला फंसे या हम फंसे आगे जाके, तो हम इससे अच्छा फायदा ये है कि वापसी भागो। फिर वापसी भाग के वो ग्रामीणों को जगाए वहाँ। वो नहीं भागी, अपन भागी। चोट तो किसी के वैसे नहीं आई, लेकिन एमपी साहब की एकदम से देख के वो घटना, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोली चला। बताइए क्या हुआ, क्या हुआ था देर रात्रि आपके साथ? कल हम लोगों का एक दौरा था, रोपा श्रद्धावन होते हुए हम लोग RVM हॉस्पिटल का भी हमने दौरा किया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा के वैर का भी करना था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। रात को 11:30 बज रहे हुए और मैं तो थोड़ी आंखें भी लग गई थी मेरी। एकदम से कुछ लोग आए थे गाड़ी, यानी कि मेरे भाई बता रहे थे, और उन्होंने के एकदम से मेरी गाड़ी पे हमला किया। और हमला के दौरान गाड़ी को मुड़ा भी लिया था, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी करी और 5-6 जने थे, इस तरीके से मेरे ऊपर हमला किया गया। कलेक्टर साहब ने फोन नहीं उठाया, 8 बार फोन किया आपने? हाँ, वो मेरे भाई ने किया होगा, वो तो उन्होंने नहीं उठाया। उस टाइम रात्रि 11:30 बज रहे थे। क्या लगता है कि बदमाश थे या फिर ये अवैध खनन वाले जिन लोगों के साथ NGT में आपने वगैरह की, कहीं वो तो नहीं है? नहीं, देखो इलाका अपना अवैध खनन का जरूर है, लेकिन मेरी किसी से रंजिश नहीं है, कभी भी ना मेरी किसी से रंजिश रही या कुछ। आपको पता है मैं अब साधारण परिवार से भी हूँ, तो ऐसा मैं कह नहीं सकती। फिर 2-3 दिन पहले आपने एक हॉस्पिटल का दौरा किया, उसमें डॉक्टर ने आंकड़े छुपाने वाली बात बोली, तो उस वजह से कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वो अलग मैटर है। हम लोगों का काम है कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, इन चीज़ों को देखना हमारा अलग मैटर है। ये अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, इस बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं? आपके साथ गार्ड भी थे? यस। पुलिस के वो भी आपके साथ 24 घंटे रहते हैं? बिल्कुल। उन्होंने उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पे खेल करके और उनको जिस तरीके से हमला कर रहे थे वो उतर रहे थे। मैं बोली भी आप उतरो मत, गाड़ी में रहो, क्योंकि 5-6 जने। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता कौन लेके आया है, क्या अपने भाई थे गाड़ी में, 4 जने थे हम लोग, तो ये लेके आए थे। किस पे शक? नहीं नहीं, मेरा किसी पे शक नहीं है। तो पुलिस जांच करेगी, ये अपने पुलिस का जांच का विषय है कि क्यों हमला किया गया, क्या है,